हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा इम्पोर्टेंट और क्लिनिकली यूजफुल टॉपिक के बारे में, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में कितना पानी अलाउड है और कितना पानी उनको पीना चाहिए, ज़्यादा पानी पीने से क्या नुकसान होगा, पानी रेस्ट्रिक्शन करने से क्या नुकसान होगा और पानी को कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए, एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें इसमें काउंट होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट और क्लिनिकली यूजफुल हो और खासकर हार्ट फेलियर के पेशेंट जो फ्लूड रिस्ट्रिक्शन से स्ट्रगल करते हैं उनके लिए ये टॉपिक खासकर यूजफुल होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे होगा ये कि जब भी कोई मैं इस तरह का रेलेवेंट टॉपिक आपके लिए अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस टॉपिक को मेरे चैनल पर तुरंत देख के उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन हार्ट फेलियर पेशेंट्स में कैसे किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं उस बारे में। बेसिकली नॉर्मल व्यक्ति जब एक्स्ट्रा पानी पीता है तो वो पानी एक्स्ट्रा जो होता है वो पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, यूरिन में बाहर निकल जाता है, बॉडी में वो अक्यूमुलेट नहीं होता। लेकिन हार्ट फेलियर में जब हार्ट का पंपिंग प्रेशर कम हो जाता है तो किडनी का फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और बॉडी में ये एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने की क्षमता कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसलिए जब अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट एक्सेसिव पानी पीता है तो उसको सांस फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है, पाँव में पानी भरने का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में पानी भरने का प्रॉब्लम हो सकता है और उसकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। ये जानने को और समझना और डिस्कस करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग को इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होता, किस लोगों के लिए एप्लीकेबल है ये सब नहीं पता रहता, लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं। और हमारे इंडिया में काफ़ी लोगों में ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा पानी पीने से बॉडी प्योरीफाई होती है। कुछ हद तक सही भी है कि कई बीमारियों में ज़्यादा पानी पीना, खासकर किडनी की पथरियों की बीमारी में, कॉन्स्टिपेशन वगैरह में रिकमेंडेड है। लेकिन अगर हर बीमारी में ये करना चालू करेंगे तो पेशेंट को डेफिनेटली नुकसान होगा और खासकर हार्ट पेशेंट में जिनका हार्ट का पंप फंक्शन काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहाँ पर अगर आप फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन को प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो पेशेंट को नुकसान होगा और बीमारी को मैनेज करना हमें मुश्किल पड़ेगा। पेशाब बढ़ाने की दवाई हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, सांस फूलना पेशेंट को ज़्यादा होगा और ऑब्वियसली दवाई हम ज़्यादा डोज में देंगे तो साइड इफेक्ट्स होने का चांस भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो लोग का भी हार्ट फेलियर है और उनका पंप फंक्शन ख़राब है, यानी कि अगर सिस्टोलिक पंप फंक्शन उनका 35% से नीचे है और खासकर अगर ऐसे व्यक्ति को जिनको पाँव में सूजन आ रही है या चलने फिरने में बहुत सांस फूल रही है, वैसे लोग को ये फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने का ज़रूरत है। और ये फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ पानी नहीं, इसमें चाय, कॉफ़ी, दूध, छाछ, अल्कोहल, कोई डेजर्ट्स या कोई फ्रूट्स जो भी लेते हैं, कोई आइसक्रीम वगैरह भी लेते हैं, सूप्स वगैरह लेते हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है, वो सब मिला के फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा जिसका सीवियर हार्ट फेलियर है उतना सीवियर उसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होता है। अगर किसी का पंप फंक्शन 25-30% से भी नीचे है तो उनको ये सब कुछ मिला करके दिन भर में 1 लीटर से भी कम फ्लूइड इनटेक रखना पड़ता है। और जिन लोग का पंप फंक्शन अगर 35-40% है या सांस फूलने का उतना तकलीफ नहीं है, उसमें डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस 1 से 1.5 लीटर या 1.5 से 2 लीटर इस तरह का परमिशन हम दे सकते हैं, तो उस हिसाब से वो फ्लूइड इनटेक को मैनेज कर सकते हैं। इसको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में और उसको मैनेज करने में क्या क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं उस बारे में भी हम आज बात करेंगे, ताकि जो लोग हार्ट फेलियर की बीमारी से पीड़ित हैं उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने में थोड़ी सहायता मिल सके। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप एक्सेस पानी पिएंगे तो पानी लंग्स में भर जाएगा, लिवर में भर जाएगा, पूरे शरीर में भर जाएगा, पाँव में सूजन आएगी, ये सारे साइड इफेक्ट्स होंगे, इसलिए आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन मेंटेन करना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा इसमें कॉस्टिक ही आता है कि जो लोग को भी साथ में अगर किडनी का प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पानी एक्सेस लेना बेटर रहता है, वो प्रॉब्लम्स फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने से थोड़ा बढ़ सकती है। पर ऑब्वियसली अगर किसी को हार्ट फेलियर है तो वहाँ हमारी प्रायोरिटी है कि उसकी जान बचाना, उसके सर्वाइवल को बेटर करना। वहाँ अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो भी जाए तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन के लैक्सेटिव वगैरह देके मैनेज कर सकते हैं। किडनी का पथरी वैसे भी बहुत कम लोग को होता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जिसका फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन आप करेंगे सबको किडनी में पथरी हो जाएगा, तो चांस उसमें कंपैरेटिवली कम है। अब बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ों में फ्लूइड्स होता है जिसका आपको ध्यान रखना है। चाय, कॉफ़ी, दूध, जूस, ये सब में रहता है, पानी तो ऑब्वियसली है ही। सूप या कोई ब्रॉथ आप लेते हैं, सब्जियों में जो पानी रहता है या सब्जियों में जो तरावट रहती है वो भी पानी में काउंट होता है। इसके अलावा दही वगैरह आप ले रहे हैं, योगर्ट ले रहे हैं, कोई डेजर्ट्स ले रहे हैं जिसमें फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा है, कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि खासकर वाटरमेलन वगैरह यानी कि तरबूज वगैरह, इसमें फ्रूट कंटेंट ज़्यादा रहता है, आइस क्यूब्स ले रहे हैं, आइसक्रीम्स ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ों में भी पानी रहता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको काउंट करना है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि हमारा पर्पज़ आपको बॉडी को डिहाइड्रेट करने का है। हमारा पर्पज़ ये है कि अगर आपको प्यास ज़्यादा लगे और पानी का तरस ज़्यादा लगे तो आप गला को गीला करने के लिए या थोड़ा मुँह
में पानी चला जाए, उस हिसाब से आप पानी ले सकते हैं। पूरा डिहाइड्रेट नहीं होने की ज़रूरत है, खासकर अगर किसी का बीपी ऑलरेडी कम है और उसको ऑलरेडी चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनका फ्लूड ऑलरेडी कम हो गया है, तो वैसे लोग को उतना फ्लूड रेस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा पानी भी ले सकते हैं। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के शरीर में पानी ज़्यादा है तो उसको सांस फूलेगी, और किसी के शरीर में अगर पानी कम है तो बीपी कम हो जाएगा और चक्कर आएंगे। तो अगर बैठे से उठने में आपको चक्कर आ रहे हैं और बीपी कम हो रहा है तो डेफिनेटली पानी कम हो गया, तो आप पानी और नमक ज़्यादा ले सकते हैं। ये फ्लूड रेस्ट्रिक्शन में नमक भी इंक्लूडेड है, क्योंकि नमक जो बॉडी में जाता है वो एक्सेस शुगर जो सॉल्ट रहता है वो भी पानी को अब्जॉर्ब करता है, तो अगर आप पानी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ काम नहीं चलेगा, नमक को भी आपको रेस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। काफ़ी आसान तरीका उसका ये है कि आप पूरे दिन भर में जितना पानी ले रहे हैं उसको पहले से एक बॉटल में भर के ले लीजिए, इसमें आप दवाइयों के लिए जो पानी ले रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है। कई लोग बोलते हैं कि साहब 10 दवाइयाँ हैं, अब इसमें पानी रेस्ट्रिक्ट कैसे करें, हर बार दवाई आप लेते हैं तो पानी तो चला ही जाता है, और ऑब्वियसली आप 10 दवाई अगर निकल रहे हैं और कम पानी के साथ निकलेंगे तो गले में चिपकेगी दवाई, तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो एक बार में मल्टीपल दवाई को ले लें, अगर उनका फ्लूड बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करना है तो 5-6 दवाई को एक बार में मुँह में रख के एक आधा गिलास पानी के साथ उसको निगल लें तो कंपेरेटिवली बेटर रहेगा। आप हर दवाई को ले अलग आधा गिलास या एक गिलास पानी लेंगे तो डेफिनेटली आपका फ्लूड इंटेक अपने आप ही बढ़ जाएगा। एक गिलास पानी में लगभग 200 से 250 ml फ्लूड रहता है, तो आपको उस हिसाब से आपका दिन भर का फ्लूड मैनेज करना है। आप पूरा दिन भर का पानी को एक बॉटल में भर के जितना आपका रेस्ट्रिक्शन है उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, पर जैसा कि मैंने कहा कि बाकी जूसेस ड्रिंक्स और ये सब को भी उसमें काउंट करना है, तो इसीलिए आपको जितना आपको कट ऑफ दिया गया है उससे कम पानी में ही मैनेज करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी सब चीज़ों को आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली उसी एक बॉटल में आप पानी के साथ सारा जूस और सब्ज़ी को तो नहीं भर सकते, तो वो आपको मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। इसके लिए आपको थोड़ा जितना फ्लूड रेस्ट्रिक्शन बोला है, अगर 1 लीटर बोला है तो उससे कम पे ही आपको मैनेज करना है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में थोड़ा सा फ्लूड तो आ ही जाता है। जो लोग का हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा है वो लोग को ये भी रिकमेंड किया जाता है कि वो रियली अपना बॉडी वेट चेक करें, और पाँव में अगर सूजन किसी को अगर बढ़ रही तो डेफिनेटली उसका बॉडी वेट भी बढ़ने लगता है। तो अगर किसी व्यक्ति का ऐसे टाइम पे बॉडी वेट सडनली पुट ऑन होना चालू हो रहा है और खाने में फ़र्क नहीं पड़ा है, बॉडी वेट बढ़ रहा है, तो उसका मतलब बॉडी फ्लूइड रिटेन कर रही है, और अगर ये ज़्यादा फ्लूइड भर रहा है तो वैसे लोग को डेली बॉडी वेट अगर चेक करें तो जल्दी पता चल जाएगा, तो वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं और वो आपको दवाइयों का डोज एडजस्ट करके उसको मैनेज कर सकते हैं। बॉडी वेट मेजर करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि सुबह पहले उसको पेशाब करने के बाद बॉडी में या मोशन करने के बाद अपना बॉडी को एम्प्टी करके उस टाइम पे बॉडी वेट मेजर करें, और उस समय आप मिनिमम कपड़े पहनकर या मिनिमम क्लोथिंग में उसको मेजर करें तो कंपैरेटिवली आपका बॉडी वेट करेक्ट आएगा। डेली जो भी टाइम पे आप मेजर करते हैं उस टाइम पे ही अपने को मेजर करें बॉडी वेट को, और उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करें अपने रजिस्टर में, ताकि आपको आइडिया रहे कि कितने दिन में आपका कितना बॉडी वेट में कितना डिफरेंस आ रहा है। और अगर आपको सडनली लग रहा है कि बॉडी वेट पुट ऑन हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन कम पड़ गया है, बॉडी में ज़्यादा पानी भर रहा है, तो आपको हार्ट फेलियर के लिए डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की, कैसे आप पानी को रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा कि जितना पानी आप पी रहे हैं उसका अगर आप डायरी मेंटेन करें या रिकॉर्ड मेंटेन करें तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप दिन भर में एक ही बॉटल से पानी पिएंगे तो आपको डेफिनेटली कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। पानी जब आप पी रहे हैं या जूस वगैरह भी पी रहे हैं तो छोटे ग्लासेस का यूज़ करें। अगर आप इतना बड़ा ग्लास ले रहे हैं जो कि 300 से 400 ml का है तो एक बार में फ्लूइड कंटेंट काफ़ी बढ़ जाएगा। आप छोटे छोटे ग्लासेस में ही पानी को पीजिए, साथ में नमक भी कम रखिए। फ्रूट जूसेज या आइस क्यूब्स वगैरह भी ले रहे हैं तो वो सब कैंडीज को भी आप अगर ज़्यादा सक करें तो आपके ओवरऑल पानी का इंटेक थोड़ा कम हो जाएगा और गले में तरावट आ जाएगी। च्यूइंग गम्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा, ये भी गले को गीला करता है। जब भी आप पानी पी रहे हैं तो पानी को सिप करिए रादर देन पूरा निगलने की कोशिश, गल्प करने की नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी को सिप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब भी आप पानी को पी रहे हैं तो उसको आप थोड़ा सा स्पेस आउट करिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारी खाने के साथ और सब कुछ पानी एक साथ में ले रहे हैं। आप थोड़ा सा स्पेस कर करके लीजिए, आधा एक घंटे के या थोड़े गैप में थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए, तो आपको बीच में बार बार पानी का तरस नहीं लगेगा। शुगर और फ्लूइड सॉल्ट का इंटेक को भी कंट्रोल रखिए, नमक का इंटेक जितना ले रहे हैं वो कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा शुगर नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा शुगर लेने से पानी की प्यास बढ़ती है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ होने से पेशाब भी ज़्यादा होता है और पानी की प्यास भी ज़्यादा लगती है, वो बॉडी के फ्लूइड के सेंटर्स को या प्यास के सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है। जितना भी आप पानी पी रहे हैं उसको एक लार्ज बॉटल में जितना भी आपको कंटेंट बोला है उसके हिसाब से मेजर करके आपको मेजर करना है। और जब भी आपको अगर मुंह ज़्यादा सूखे तो आप कोई रिफ्रेशिंग माउथ वॉश वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा मुंह थोड़ा गीला रहता है, पर आपको उसको निगलना नहीं है और उसको स्पिट आउट कर देना है। इसके अलावा जब भी आप पानी पीजिए तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी पीजिए, उसको धीरे धीरे करके पीजिए, बहुत ज़्यादा स्पीड में पानी मत पीजिए, अदरवाइज़ आपका फ्लूइड इंटेक ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिन भर में आप जितना भी पानी पी रहे हैं उसका एक चार्ट डायरी मेंटेन रखिए, तो आपका मेजर करने में या मॉनिटर करने में ज़्यादा सहायता मिलेगी।
कोई भी रीयूजेबल बॉटल वगैरह को यूज़ करके आप उसको दिन भर में कितना कंटेंट है उसके हिसाब से आप मेजर कर सकते हैं। और कोई भी अगर फ्रूट वगैरह भी आप साथ में ले रहे तो उसमें भी अप्रॉक्सीमेट फ्लूइड कंटेंट कितना है उसको भी आपको कंपेरेटिवली मेजर करके रखना है। कितना दही पुडिंग या तरबूज या इस तरह की चीज़ें आप ले रहे हैं उसका वेट को भी आपको मेजर करना है, क्योंकि तरबूज जैसे फ्रूट्स में ऑलमोस्ट 90% कंटेंट वाटर का होता है, तो आपको उसका ट्रैक रखना ज़रूरी है। बार बार अपने मुंह को आप कुल्ला कर सकते हैं लेकिन वो पानी को निगलना नहीं है, बार बार उसको थूक देना है। उससे कंपेरेटिवली मुंह अगर सूखता है तो आपको ब्रेन को मैसेज जाता है कि प्यास ज़्यादा लग रही है, तो आपको बार बार मुंह को गीला करना है, रिंस करना है, लेकिन वो पानी को निगलना नहीं है। तो इससे भी कंपेरेटिवली आपको फ्लूड इंटेक को कम करने में मदद मिलेगी। आप अपने दवाइयों को निगलने के लिए कई बार दही या पॉरेज इस तरह की चीज़ें भी या कस्टर्ड इस तरह की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। तो कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि मुंह में टैबलेट को रखा और थोड़ा सा दही ले लिया, या इस तरह की चीज़ों से भी निगलने का ट्राई कर सकते हैं। पानी अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखना है तो उसमें आपका थोड़ा सा डाइट भी चला जाएगा अंदर, थोड़ा कैलोरी भी चला जाएगा, फ्लूइड इंटेक भी कम हो जाएगा। तो उस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। जो लोग को भी डाइट रिस्ट्रिक्शन बोला है उनको ब्रश करना चाहिए आपका टीथ को रेगुलरली, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी इंटेक अगर वो कम रखते हैं तो मुंह में स्मेल आना चालू हो जाती है, उसकी वजह से मुंह में इन्फेक्शन होने का चांस भी बढ़ जाता है और फ्लूइड ज़्यादा लेने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली उनको मुंह को बार बार ब्रश करना चाहिए और एंटीसेप्टिक वाले माउथ वॉश से मुंह को बार बार उनको क्लीन भी करते रहना चाहिए ताकि मुंह में इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो। और अगर बीच में उनको स्नैक्स वगैरह लेना हो तो थोड़े फ्रोजन फ्रूट या फ्रोजन जूसेस इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं जिसमें फ्लूइड कंटेंट थोड़ा कंपेरेटिवली कम हो, और उसको थोड़ा सक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको निगलने की कोशिश नहीं करनी है, तो उससे कंपेरेटिवली आपका फ्लूइड इंटेक थोड़ा कम हो जाएगा। नमक भी जो है दिन भर में 2 से 3 ग्राम के आप अंदर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। नमक रिस्ट्रिक्शन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा नमक नहीं लेना है, उसका मतलब ये है कि खाने पीने में भी जो आप नमक ले रहे हैं उसमें भी आपको रिस्ट्रिक्शन मेंटेन करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे इंडियन डाइट में नॉर्मली 8 से 12 ग्राम नमक वैसे भी चला जाता है। तो अगर आप किसी को सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 1 छोटा चम्मच पर उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, और वो सब्जियों वगैरह में भी जो आप नमक डाल रहे हैं वो भी उसमें ऐड होगा। एज़ फार एज़ पॉसिबल अल्कोहल अवॉइड कीजिए, अल्कोहल में भी उसमें कंपेरेटिवली पानी जो जाता है वो बॉडी के लिए नुकसानदायक भी है और आपका फ्लूइड इंटेक भी बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा स्वीट फूड्स या मीठी चीज़ें नहीं लीजिए, क्योंकि मीठी चीज़ खाने से आपको प्यास ज़्यादा लगती है, बॉडी का शुगर लेवल्स बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से प्यास ज़्यादा लगती है। तो बहुत ज़्यादा स्वीट चीज़ें भी नहीं लेनी है। और मुंह अगर सूख रहा है तो आप लिप बाम वगैरह का, लिप ग्लॉस वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ये भी कंपेरेटिवली अच्छा है। थोड़ा घर का टेम्परेचर को कोल्ड रखें या घर का रूम एनवायरनमेंट को एसी वगैरह यूज़ करके थोड़ा ठंडा रखें, बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ना घूमें या बहुत ज़्यादा गर्मी में बाहर ना निकले, क्योंकि गर्मी में आप बाहर निकलते हैं तो बॉडी सडन डिहाइड्रेट हो जाए तो सनस्ट्रोक वगैरह का चांस भी बढ़ जाता है, प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो ऐसे चीज़ों में आपको फ्लूइड इंटेक कम रखेंगे तो भी दिक्कत होगी और ज़्यादा लेंगे तो भी दिक्कत होगी। तो वैसे केस में आपको थोड़ा सा रूम का टेम्परेचर वगैरह थोड़ा ठंडा रखना है, गर्म एनवायरमेंट में ज़्यादा नहीं निकलना है। इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश की कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन किन पेशेंट्स में करने की ज़रूरत है, कितना करने की ज़रूरत है और कैसे करने की ज़रूरत है, ताकि आपको हार्ट फेलियर में सांस फूलने का प्रॉब्लम कंपेरेटिवली कम हो और आप उसको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन जिनको भी बोला गया है वो इसे इजीली मैनेज कर सके, और क्या क्या टिप्स को फॉलो करके वो इसको ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं उस बारे में मैंने बात की। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए इजीली एक्सेसिबल करना चाहता हूँ, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना ना पड़े। कई बार लोग क्या है डॉक्टर्स के पास, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास और गूगल के पास जाते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फायदा होने के बदले नुकसान भी हो जाता है, और गूगल से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आध कचरा जैसी भी होती है, आपको पता नहीं रहता आप कौन सा आर्टिकल किसका पढ़ रहे हैं, उसमें कितना सही इन्फॉर्मेशन है कितनी बायस्ड इन्फॉर्मेशन है, तो जिसको फॉलो करने से कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इसके लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि इस कंटेंट का वो भी फायदा ले सके। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक्स के बारे में फ्यूचर में हमें वीडियोज़ करने चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए, ताकि फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम कवर कर सकें। सो दिस इज़ डॉक्टर नवीन अग्रवाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ, और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को देखा और मेरे टॉपिक को पूरा सुना। आई होप को आपको इससे क्लिनिकली रेलेवेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आप इस तरह का रेलेवेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।